आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। स्वागत है आपका, राधे राधे, और मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। आज हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि कब है। अरे चौंकिए मत, वैशाख मास की शिवरात्रि कब है। यहां बात हो रही है उस शिवरात्रि की। जानते हैं कि उसकी क्या तिथि है, पूजा कैसे करनी है, मुहूर्त क्या है, उसका महत्व। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि होती है। जी हाँ, मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है। वो शिवरात्रि दूसरी होती है जो साल में सिर्फ एक बार आती है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान होता है। मासिक का अर्थ होता है महा या फिर मास, और शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की रात, यानी ऐसी भगवान शिव की रात जो महीने में आए। इस दिन रात्रि प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो साल में फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये शिवरात्रि भी उतनी ही विशेष मानी जाती है। आइए जानते हैं वैशाख मास की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, महत्व और उसकी पूजन विधि क्या है। शिवरात्रि तिथि। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ होगा 28 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 12:26 पर होगा। इस तिथि के समापन की बात करें तो 29 अप्रैल की रात को 12:57 पर होगा। ऐसे में जो उदया तिथि है उसके आधार पर वैशाख मास की शिवरात्रि का व्रत 29 अप्रैल के दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त। वैसे तो शिवरात्रि का पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन रात्रि प्रहर की पूजा का खास महत्व होता है। उस पूजा का शुभ मुहूर्त है 29 अप्रैल की रात 11:57 से रात को 12:40 तक। आप चाहें तो किसी विशेष मनोकामना के लिए आप इस दौरान पूजा कर सकते हैं। महत्व। शिवरात्रि शिव भगवान की प्रिय तिथि होती है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजन और व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी संकट वो दूर कर देते हैं। मान्यता है ऐसी कि शिवरात्रि पर व्रत पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसी कोई समस्या जो काफी समय से आपको परेशान कर रही है, तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक जरूर करें। साथ ही इस दिन आप शिव भगवान के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शिव भगवान के मंत्र बहुत ही आसान हैं। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, इन सभी मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पूजा विधि। आपको इस दिन जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना है। उसके बाद आप मंदिर जाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शिव भगवान के सामने आप पूजा का दीपक जलाएं। घर पर अगर आपके दूध है और गंगा जल है तो उससे आप शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव के साथ आपको माता पार्वती की पूजा भी करनी है। ऐसा ना हो आप सिर्फ शिव भगवान की पूजा करें, पार्वती मैया की ना करें। पूजा के दौरान आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि इस मंत्र का जाप बीच में बिल्कुल ना टूटे। भगवान शिव को आप कोई भी सफेद वस्तु भोग लगाएं, या आप मौसमी फल भी भगवान शिव को भोग में रख सकते हैं, और भोग के बाद आप भगवान शिव की आरती करें। दोस्तों, व्रत रखना ना रखना, पूजा करना, मंदिर जाना ना जाना, ये सभी इंसान की अपनी आस्था होते हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमने आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी है तो आप वो चीज़ करें। अगर आपकी आस्था भगवान में है, आप भगवान को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये जानकारी विभिन्न आलेखों से आप तक पहुँचाई गई है। वैदिक टीवी इस वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता पर पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।